तो उधर अफगान च घट गिणती सिखा ते हिंदुओं के लिए गृह मंत्रालय का वड्डा फैसला सामने आया। दस दी कि भारत सरकार ने सिख ते हिंदुओं नू 100 ई वीज़ा जारी किए ने। अफगानिस्तान दे विच घट गिणतियां दी सुरक्षा नू देखदिया यह फैसला लिया गया। भारत सरकार द्वारा बीते दिनी भी काबुल दे विच गुरद्वारा करता परवान ते अतवादी हमला होया सी, जिस दे विच हालांकि एक दी जान गई है ते कुछ जख्मी दसे जा रहे सन। तो उस तो बाद भारत सरकार का वड्डा फैसला है ते घट गिणतियां नू लैके एक वड्डा फैसला लैंदे हुए 100 ई वीज़ा जारी किए ने। 100 ई वीज़ा दे राही जिहड़े भी लोग अफगानिस्तान या फिर काबुल दे विच रहिंदे ने उह भारत जरूर आ सकते हैं। ई वीजे का बंदोबस्त किया गया भारत सरकार का। उधर इस पूरे मामले दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा आगू ने ट्वीट करके लिखा, उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान के 111 सिखा ते हिंदुआ नू स्पष्ट रूप दे विच ई वीजा देन दे लई अमित शाह जी का तह दिलों धन्यवाद करदा हाँ ते इस मुद्दे नू पहल दे आधार ते हल करन दे लई MEAI इंडिया का धन्यवाद। अफगानिस्तान जो कल बहुत ही एक दहशतगर्दी का माहौल और एक हमला होया गुरु घर च, उस तो बाद कल जिहड़ी सानूं लिस्ट दित्ती गई सी वीज़ा वाले की, उन्होंने 111 लोगों नूं अफगानिस्तान तो एक नूं जिन्हां दे पिता जी कल शहीद हो गए सी इंग्लैंड तो भारत आउण दे वीज़ा ग्रांट करता गया। कुल 112 लोगों नूं कल च वीज़ा ग्रांट किया गया और 50 दे आसपास होर लोग ने जिहड़े आउणा चाहुंदे ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि ऑनलाइन अपना वीज़ा अपलाई करन। जिवें वीज़ा अपलाई करनगे एक दिन के अंदर अंदर इसका वीज़ा भी उन्होंने देंगे। मैं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता जिन्होंने कल विशेष तौर पर कल च एक घंटे के अंदर अंदर सारे वीज़े अप्रूव करके फाइल और कल च सबन वीज़े दिते और जोड़े लोगों के कोल टिकट की या किसी तरीके की परेशानी होगी आने की वह भी सूँ संपर्क कर, असी उन्होंने भी आने का इंतजाम करा।